हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, वो एक मंथली रीडिंग होगी पाइसिस के लिए। ठीक है, मेरी सारी जो मंथली रीडिंग है मैंने अपलोड कर दी, लास्ट है, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ये लव रीडिंग्स हैं जो अगर आपको मैच होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज पाइसिस यानी कि लास्ट साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। पाइसिस यानी मीन राशि। अक्टूबर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूँगी, उसके बाद मेरी वीडियो का कुछ पोर्शन आपकी करियर वाइज होगा। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अक्टूबर माह में अपनी लव लाइफ के बारे में। ओके, हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जीज। थ्री ऑफ कप्स, ओके पाइसिस, यहाँ पे देखिए सिक्स ऑफ वॉन्स है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, आप किसी से मैरिज करना चाहते हो गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, आप विक्ट्री चाहते हो, जिनके भी साथ डील कर रहे हो वो एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपका साइन पाइसिस है तो उनका भी कुछ कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस, यानी कि साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी हैं इनसे मैरिज या विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है आपके दिलो दिमाग में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स। आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ख्वाब देखे हैं आपने इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसा मैं कहूँगी, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। और मुझे यहाँ पे लगता है कि या तो आपको बहुत जल्दबाजी में काम करना चाहते हैं, एक्शन के मोड में आप आ चुके हैं, यानी कि आपको बहुत सारे काम करने हैं अपनी लव लाइफ में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं गाइस, ओके, जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में आप ड्रीम करते हैं। ठीक है, सपने देखते हैं और क्या है। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये कार्ड जो है, आपने कहीं ना कहीं पास्ट में या तो धोखा खाया है किसी से, लव में आपको कभी कभी धोखा मिला है, कभी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि अभी की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक कंप्लीशन चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को छोड़ के, या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपका पास्ट पेन है जिससे आप अभी भी दुखी हैं। ठीक है, उन पास्ट की बातों को आप भुला देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक बार और करना चाहूंगी मैं, आपकी एनर्जी क्या है पाइसिस, मीन राशि वाले लोगों, दिलो दिमाग में क्या सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। वाओ गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपका भाग्य बहुत बहुत आपका साथ देगा। देखिए आप किसी से स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, लव लाइफ को। ठीक है, और इसमें आपका भाग्य साथ देगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर में आपको जो क्लियरिटी चाहिए वो मिल जाएगी अपने पार्टनर से, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे अगर ये एनर्जी मैच करती तो डेफिनेटली आप ही के लिए रीडिंग है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपसे कितनी मैच हुई। ओके, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, ये आप ही के लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स अक्टूबर में क्या हैं, आप किन से डील कर रहे हैं ये भी देखेंगे हम। ठीक है, मैं आज बताएं मेरे पाइसिस के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं अक्टूबर में। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, सारे साइंस की रीडिंग आ जाती है इसमें। ओके, देखिए वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। ये देखिए हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कोई लिब्रा हो सकता है, चैरियट कोई कैंसर हो सकता है आपका पार्टनर, और एरिस जो सेजिटेरियस भी हमारे पास है। ठीक है, एक कार्ड और चाहिए, यूनिवर्स क्या फीलिंग्स हैं। ओके, टू कार्ड्स आए हमारे पास, बहुत सारे हैं गाइज, मैं क्या करूँ, अब एक्स्ट्रा आ गए तो चलिए हम ले लेते हैं। ठीक है, जो जंप होके कार्ड आते हैं वो हमको लेने ही पड़ते हैं गाइज। ओके, तो मैं इतने कार्ड लेती नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि लेना पड़ेगा। उनकी तरफ से बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, मैं यहाँ पे कहूँगी। ओवरऑल देखिए, आपसे जो पार्टनर है मैरिज करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये या तो टॉरस है, एक्वेरियस है, या फिर पाइसिस कोई लगता है मुझे, कैंसर भी है कोई। ठीक है, और लिब्रा भी हो सकते हैं, लेकिन साइन कुछ भी हो, ये जो पार्टनर है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और आपके हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं आपसे। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं डेफिनेटली, या तो कोई किसी की एंगेजमेंट होने वाली है नेक्स्ट मंथ में या फिर इसी मंथ में, या फिर कोई प्रपोजल किसी के पास आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके आपके जो पार्टनर हैं उनके कार्ड्स बहुत बहुत क्लियर हैं। ठीक है गाइज, मैं बताती हूँ अभी क्या है।
सबसे पहले ये आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में हो, यानी कि इन्होंने पहले से मान लिया कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, ऐसा ही मानते हैं, ठीक है, आप में कास्ट इश्यूज हैं लेकिन इसको ओवरकम करना चाहते हैं, डेस्टिनी आपको मिलाएगी, इनको ये लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है गाइज, आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी तरफ से मुझे बहुत 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 बेस्ट वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं ये, या तो देखिए बिल्कुल एक्शन के मोड में है ये, आप जब कहीं जब आपसे शादी कर लें ऐसी इनकी एनर्जी है गाइज, आपसे मैच होती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन ये बहुत चैरियट के मूड में है, ये सब कुछ पास आउट करके ओवरकम करके आपके पास आना चाहते हैं, इनको पता है आपकी कास्ट इश्यूज हैं, ठीक है, इनको पता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इनको पता है कि आप में और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके डेस्टिन पार्टनर हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके अलावा ये आपको प्रपोजल करना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी देखिए अगर ये कोई मेल हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ बारात लेके आना चाहते हैं, ये आपके बारे में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में इनको विक्ट्री दिखती है, ठीक है, ये जीत ही जीत मानते हैं आपके साथ, इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है, आपसे अक्टूबर में जरूर मिलेंगे और ये आप सारी बातें आपसे कहेंगे क्योंकि ये एक्शन के मोड में, ये आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, मतलब दिल के साफ हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कहते होंगे, ठीक है, ये बहुत कम बातें करते हैं लेकिन कुछ सीक्रेट भी रखते हैं आपसे ऐसा मैं कहूँगी, ये कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि जो फेयर है आपके साथ वो करेंगे, ठीक है, लीगली कुछ करना चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ लगता है, मतलब मुझे लगता है कि कोई आप लोगों में कास्ट इश्यूज हैं और इनकी कास्ट और आपकी कास्ट अलग है, तो अगर घर वाले नहीं मान रहे तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा कोई ट्रेडिशनल लीगली करना चाहते हैं जिससे आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है, या तो कोर्ट मैरिज करेंगे या फिर कुछ लीगल जैसे कोई जो जिसको कि कोर्ट वगैरह मानते हो ऐसा कोर्ट, मतलब लीगली कुछ आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिससे कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, आप रजिस्टर्ड हो जाएं इनके साथ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड मैरिज भी होती है गाइस, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि आपकी 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 जो प्रॉब्लम्स ये है कि आपकी रिलेशनशिप में आपके कास्ट इश्यूज, आपके फैमिली बैकग्राउंड, ये चीज़ें बहुत आ रही है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे इशूज़ हैं आपकी रिलेशनशिप में लेकिन ये जो पार्टनर हैं आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा देखिए इनके ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ सीक्रेटली आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं जिसको किसी को डिक्लेयर अभी नहीं करना चाहते, यानी कि चुपचाप से आपसे शादी करना चाहते हैं ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका कोई सीक्रेट लवर है या आपको अफेयर सीक्रेट है जिसके कारण ये आपसे अगर मैरिज करना चाहें तो कोई करने नहीं देगा और इसीलिए आपको सीक्रेटिवली अपनाना चाहते हैं, ठीक है, कोर्ट बाकायदा अच्छी तरह लीगली आपको अपनाना चाहते हैं, अगर ये मैरिज कर पाएंगे तो मैरिज, नहीं तो ट्रेडिशनल मैरिज जो होती है वो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि समाज की नज़रों में काफ़ी रजिस्टर्ड हो, लीगल कुछ करना चाहते हैं आपके साथ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये सब सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर में बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी शादी के बारे में, आपसे कमिटमेंट के बारे में, ठीक है, ये जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में आएंगे तो काफ़ी कुछ स्टेबल हो जाएगा, इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, ओवरऑल ये चाहते हैं कि आप एक अपनी लव लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, मैं कहूँगी कि सब तरह से खुशियाँ आप ही से मिलती है और आपको पाने की, आप एक एम्प्रेस हैं डेफिनेटली, आपको आप बहुत अच्छे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और आपको पाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ को पहले मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में रख पाएं, और डेफिनेटली ये मुझे इनके कार्ड्स में लग रहा है कि आपको आपको हर तरह से खुशियाँ देना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपसे कोई प्रपोजल आ सकता है या आपसे ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं या फिर कुछ लोगों की मुझे लगता है अगले महीने या फिर दिसंबर तक शादी संभव है ऐसा इनके कार्ड्स में लग रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव, ऐसी रीडिंग मैंने कभी अभी तक अक्टूबर में किसी की नहीं दी गाइस, ओके, आप अगर लास्ट में पाइसिस को लिया था वेरी गुड रीडिंग है, ठीक है, मैं यहाँ कहूँगी आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, तो आपके पार्टनर की तरफ से पूरी तरह रेडी है, आपकी क्या एनर्जी है वो हम देख लेते हैं, न्यूज बताएं मेरे जो पाइसिस मीन राशि के लोग क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मेरे जो पाइसिस पीपल हैं वो क्या सोच रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स सॉरी, सेवन ऑफ वॉन्स, एक कार्ड और चाहिए हमें, क्या सोच रहे हैं मेरे पाइसिस पीपल, क्या सोच रहे हैं, ओके,
दो कार्ड हमारे पास नीचे गिर चुके हैं, प्लीज बेयर विद मी। ओके गाइस, तो दो कार्ड गिर गए थे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइस, दोनों ही रखने पड़ेंगे क्योंकि जंप आउट हुए थे, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है, देखिए, ठीक है। ओके, मैं बताती हूँ आपकी क्या, आपके मन में क्या चल रहा है वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। ओके, तो मुझे सबसे पहले लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं क्लियर कट इनसे, ठीक है। आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग ऐसी है कि इनको बिल्कुल क्लियर क्लियर कुछ बताया जाए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है आपकी तरफ से मुझे, ठीक है। या तो आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड है, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो गाइज, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में आप इनके प्रति बहुत पैशनेट हैं, इनको अपनाना चाहते हैं और रिलेशनशिप में आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, ये आपको इन प्रॉब्लम से कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, ये बॉल बहुत हिम्मत करके आपको कुछ रिस्क लेके आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अक्टूबर में आपका कोई डेट हो सकती है, आप शांति से बैठ के बात करेंगे अपनी अपने रिलेशनशिप के बारे में। और डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण कोई मदर इशू हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके कारण ये गिव अप नहीं करेंगे, ये किसी से हार्ट ब्रेक हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपकी एनर्जी में देखा। आप मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये रीडिंग आपके लिए है, ये फीलिंग्स आपकी है, ठीक है। आप पास्ट में किसी से धोखा खा चुके हैं, अब आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आप दोबारा इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए रिलेशनशिप में जो कुछ कहना है साफ साफ कहेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में है तो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हैं और डेफिनेटली इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो आपको परेशान कर रही है, अगर थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आप उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट में निराशा फील करते हैं आप थर्ड पार्टी को लेकर। डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को इसीलिए छुपा रहे हैं, इनकी तरफ से बिल्कुल यस है लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा दुख और थोड़ी परेशानी है जिसको आप फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखा जाए तो आप बहुत क्लियर कट इनको सब कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी अक्टूबर में लग रही है, ठीक है। अब आपके लिए कोई एडवाइस देख लेती हूँ मैं, क्या एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है, इवन आप गिव अप नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप शांति से चीजों को सुलझाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं तो डेफिनेटली आप जो पास्ट में आपको धोखा मिला है उससे बचना चाहते हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, आप किसी से इनके बारे में राय ले रहे हैं और डेफिनेटली जो पास्ट में कुछ आप इनको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप इनको और कुछ क्लियर कट कहना चाहते हैं, कुछ नाराज़गी आपके मन में, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेकिन कुछ क्लियर कट बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, मतलब आपके जो फियर्स हैं गाइज उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपका एडवाइस ये है कि अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा मौज मस्ती करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप वो हैंडल हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी, डिवाइन टाइम कुछ करेगा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड बहुत हैं, जहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, तो आपका कोई कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है गाइज, तो चीज़ें अनफोल्ड अपने आप होने दें, आप सिर्फ रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनपुट अपनी तरफ से डालिए, ठीक है, लव डालिए थोड़ा सा, ताकि चीज़ों को सॉल्यूशन चीज़ों को सॉल्व होने में थोड़ा वक्त लगे लेकिन चीज़ें सही तरीके से हो, ठीक है। आपको एडवाइस ये है। तो अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं गाइस, अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है सबसे पहले लाइक दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेती हूँ। हेलो गाइस, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है पाइसिस, वो हम चेक करने वाले हैं अक्टूबर में। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके दिलो दिमाग में अपने करियर के बारे में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में। डेविल, ओके, एंड सिक्स ऑफ सोर्स, आप अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कोई टॉक्सिक आपकी या तो जॉब है या फिर ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ बंधन फील होता है, ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको बंधा हुआ फील होता है, आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, शांति से इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। अपने करियर में आप किसी के बंधन में हैं और कोई आप पे मैं ऐसा कहूँगी कि आपकी कोई लत है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अक्टूबर में आप उस लत को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लत किसी भी तरह की हो सकती है, बहुत सारी आपकी हैबिट्स ऐसी होंगी जो कि आपको परेशान करती हैं, ठीक है। बहुत सारी हैबिट्स में कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक करना, कुछ ऐसी आदतें जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं दिला पा रहे, ठीक है। इसी वजह से आप इन टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, लत हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे पीछा छुड़ा पाएंगे आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ
पेंटिकल्स, ओके। कुछ काम है जिसके बारे में आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जिससे आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं। आप बहुत स्लो एनर्जी में हैं, लेकिन श्योरली कोई काम करना चाहते हैं, उसका इनिशिएट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें। ऐसी एनर्जी आपको गार्ड करके चल रहे हैं, आप अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे आप, ठीक है। लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, डेफिनेटली आप चाहते हैं कि लोग फाइनेंशियली भी आपको कुछ सपोर्ट करें, और डेफिनेटली आपको अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ श्योरली जाना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप अभी बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जब भी देख रहे हैं आप एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं एक बार क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स, आपके पास दो चॉइसेस हो सकती है, या तो जॉब की चॉइसेस, या फिर किसी भी चीज़ की दो दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो करियर में, जॉब में, या फिर बिजनेस करते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं और अपने पैसों को थोड़ा बचाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर पैसा थोड़ा सा बच जाएगा तो आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर बाकी आगे काम में आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको वीकनेस है आपके, फाइनेंशियली थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज है। पाइसिस के लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, नोट्स बताएं। टू ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ओके। और क्या है प्रोफेशनल लाइफ में, एट ऑफ कप्स, ठीक है गाइस। ये जो कार्ड बता रहे हैं उनका मैं मतलब बताती हूँ अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दो कार्ड आ गए, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। ओवरऑल देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पास काफी अबंडेंस हो, आप ये चाहते हैं, ठीक है। किसी चीज में आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो के काम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप आके अगेन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूंगी। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको स्टेबिलिटी मिले, लेकिन कंफ्यूजन में है। आप बहुत कुछ अपने आप को बदल रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन है दो चीज़ों के बारे में। अगेन आपके पास दो चॉइसेस हो सकती है, जॉब की, प्रोफेशनली दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जगलिंग करते रहते हैं। ये स्टेबिलिटी आपको कंफ्यूजन में डाल रही है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, आपका दिल जो करता है वो करना चाहते हैं, लेकिन आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का काम है। यानी कि या तो आप ऑलरेडी किसी कोई जॉब कर रहे हैं तो वो छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी दिल से आप ये बात करना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा टॉक्सिक है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, नौकरी है जिसमें काफ़ी दबाव महसूस करते हैं तो उसको छोड़ के आप एक नई नौकरी करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बिजनेस जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है उसको छोड़ के आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो ये परिवर्तन है आप में वो अंदरूनी आ रहा है, और ये अंदरूनी परिवर्तन आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लाएगा। यानी कि जो आप दिल की सुनेंगे तो दिल की ही करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, और दिल के आगे जीत है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगी। तो ये गाइस आपके पास जीत आने वाली है। जो आपको निराशा पहले पास्ट में हुई है उससे आप बाहर निकलेंगे, कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये चीजें आपको निराशा कर रही थी, निराशा दे रही थी। कुछ ऐसे बिजनेस है, कोई जॉब है जो कि आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगने लगा है, तो उसको छोड़ के आप किंग ऑफ कप्स यानी कि अपने दिल की बात सुनेंगे और एक नया जॉब या नया कुछ करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ओवरऑल आप अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए जो भी कर रहे हैं वो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, और ये प्लानिंग आपकी काफी सक्सेसफुल होगी, ऐसा मैं कहूंगी, ठीक है। तो रीडिंग मैच हुई तो लाइक कीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में जरूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।